गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। सो टुडे वी आर रीडिंग सेशन नंबर 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन। हेयर इट इज़ योर सेशन नंबर 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो यू हैव स्टडी कम्युनिकेशन मीन्स टू एबल टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द वन सेंडर टू अनदर रिसीवर। सो हाउ इट विल टेक प्रोसेस। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। You understood what is communication, but what are the elements of communication we will study today. So communication cannot happen if there is only one person. Communication आपका possible नहीं हो सकता जब तक आप एक single person है। it transfer from two or more. So it take at least कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए शुड बी अ सेंडर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एंड थर्ड इज एनकोडिंग एलिमेंट, फोर्थ इज कम्युनिकेशन चैनल, एंड फिफ्थ इज रिसीवर शुड बी ऑलवेज देयर, एंड सिक्स्थ will be decoding, and seventh will be feedback. That will be the most important element of the communication. So sender, that will initiate the communication. So this is the most common question or sometimes most frequent MCQs question come here. Who initiates the communication? कौन आपके कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है? सो दैट विल बी द सेंडर। वो सेंडर होगा आपके लिए जो इनिशिएट करेगा आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल द की पॉइंट इन देयर, एंड यू हैव टू अंडरलाइन द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन। जो आपके कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है वो आपका सेंडर कहलाता है। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विल बी योर आइडिया। जो भी आपका इनिशिएट करता है वो किस आइडिया के साथ किस मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, व्हाट मैसेज बीइंग सेंट, कौन सा मैसेज सेंट हो रहा है, दैट विल बी द सेकंड एलिमेंट। एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है उसको किस फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी कम्युनिकेशन में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज लाइक आप वर्बल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, रिटन या सिंबल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, विच एनकोडिंग मीडियम यू आर यूजिंग देयर। ऑल राइट, सो इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्चर, विजुअल कम्युनिकेशन, एंड कन्वर्ट दिस मैसेज इन टू ग्रुप ऑफ वर्ड। वो आपके मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट करके, सिंबल में या गेस्चर में या साउंड्स में कन्वर्ट करके आपके आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी द एनकोडिंग। ऑल राइट, सो हाउ यू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू एनी कम्युनिकेशन मीडियम, दैट विल बी द एनकोडिंग। ऑल राइट, एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन चैनल। व्हाट विल बी द चैनल, हाउ यू ट्रांसफ़र योर मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। किस तरीके से रिसीवर तक वो मैसेज पहुंच रहा है, एज लाइक आप किसी पेपर पर या किसी सोशल मीडिया पर या एज लाइक ईमेल पर, इंटरनेट पर, व्हाट मीडियम यू आर चूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग द मैसेज, सो दैट विल बी द चैनल हेयर। एंड फिफ्थ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विल बी रिसीवर। सो मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू द रिसीवर, सो टारगेट ऑडियंस फॉर द कम्युनिकेशन। सो हु आर लिसनिंग आवर मैसेज, हु आर लिसनिंग द सेंडर मैसेज। जो भी सेंडर मैसेज को रिसीव कर रहा है वो उधर सक्सेसफुली पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, सो रिसीवर का होना मस्ट है वहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इन टू एनकोडिंग। पहले वो एनकोड होगा, आफ्टर दैट वो डिकोड होगा। एनकोडिंग, सेंडर ने जो आइडिया सेंड किया है वो अपने कम्युनिकेशन में
किया है, आफ्टर दैट डिकोडिंग रिसीवर उसको किस फॉर्म में अंडरस्टूड कर रहा है, दैट विल बी द प्रॉपर मीडियम ऑफ डिकोडिंग। ऑलराइट, सो दैट एनकोडिंग और डिकोडिंग आर रिवर्सिबल फॉर ईच अदर। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विल बी फीडबैक। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज टू द रिसिपियंट्स और टू द रिसीवर, रेसिपियंट्स के पास मैसेज पहुंचने के बाद वो उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, आफ्टर दैट वो फीडबैक मस्ट होना चाहिए। विदाउट फीडबैक हमें नहीं पता चलेगा सक्सेसफुली मैसेज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। एंड यू हैव टू लर्न एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टुडे।